व्हाट्सअप पब्लिक क्या बोलती पब्लिक सब ठीक है ना सो दिस इज़ अंकुर बैक वंस अगेन यार कुछ uh, बारह अठारह दिनों से ना मतलब बारह पंद्रह दिनों से लाइक आई एम लिटिल डिस्टर्ब बिकॉज अरे ये जो बहुत एक बड़ा पेचीदा सा जो केस uh, हम लोग को सुनने में आया है सबको ऑल ओवर इंडिया में सुनने में आया जो श्रद्धा वाल, वालकर का मर्डर केस था यार देखो मतलब वो चीज़ में ना मतलब दे वो लोग लो लिव इन रिलेशनशिप में थे ठीक है उनका तीन साल का जो भी प्यार वाला था जो भी था ठीक है और बाद में इसका मर्डर होना ठीक है उसको सफोकेट करके गला दबा के उसका पहले मर्डर किया गया एंड देन वो बंदे के पास इतने गट्स थे डूड मतलब देखो मैं अभी ज़्यादा गालियाँ गलोच नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे को ये वीडियो अपलोड करना है और बाद में ये क्या है ना स्ट्राइक लग जाएगा वीडियो डिलीट हो जाएगी मतलब बंदे के पास इतने गट्स थे ही सो मच ऑफ गट्स टू चॉपर ऑफ़ इन टू फक इन थर्टी फाइव पीसेस फक टूड लाइक देखो इससे क्या समझ में आता है यार कि यार तुम लोग या तो देखो ये रिलीजन बेस्ड कुछ नहीं है इतना मैं समझ पा रहा हूँ ठीक है क्योंकि इसमें मैं बहुत स्टडी किए इतने दिनों से करता आ रहा हूँ कहीं कहीं मतलब देख कुछ सुन रहा हूँ लोगों से फिर बहुत चीज़ें देख रहा हूँ इनमें इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत सी हुई है यार फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ना हम लोग का जो कंट्री है ना कहाँ लैक कर रहा है पता है क्या uh, अभी तक वो बंदा जिंदा है यही कोई अरब कंट्रीज़ होती भाई वहीं पे ख़त्म आधे एक घंटे में पब्लिक कर देती है वहीं पे मैटर ही क्लोज कर देती है यहाँ पे वो बंदा अभी भी जिंदा है उस पुलिस को हड्डियाँ नहीं मिल रही है स्केलेटन नहीं मिल रहा है अबे मुजरिम तुम्हारे सामने है अभी उसको पकड़ो बताओ उसको कहाँ कहाँ क्या फेंका हुआ है श्रद्धा का सर नहीं मिला हुआ उसका हेड नहीं मिला है डूड मतलब यार देखो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन और लाइक एनी गर्ल और एनी स्पेसिफिक बॉय और समथिंग इज जस्ट यार तुम लोग भी लड़कियों थोड़ा सोच समझ के प्यार वार करो यार पेरेंट्स की सुनो यार मतलब तुम लोग को चाहिए भाई फैशनेबल लड़का मतलब एकदम सुपर दिखने में भी सुपर होना चाहिए उसके बाल पोडिटेल भाई फिजिक पैसा और क्या लगता है तुम लोग के ही बाद में एल लग जाते हैं समझ रहे हो तुम लोग के ही एल लगते हैं बाद में अभी भी थोड़ी अकल करो और समझो इसे सबक लो और भाई अफताब जैसे जो लड़के है डूड एक्ट मतलब एक लड़की को मार के कुछ भी नहीं मिला अब देख तेरा क्या होने वाला है भाई ठीक है ना मतलब आई विश भाई तू बाहर की कंट्री में होता तेरे को तेरे जी के अंदर डंडा डाल देते वो लोग समझ रहे एनी वे गुस्सा फूटता है यार मतलब बहुत बुरा हुआ वो बंदी के साथ में पेरेंट्स की सुनो यार तुम लोग क्या लिव इन में जा रहे हो में तुम्हारे ये लगते हैं फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है ये है वो है ठीक है ठीक है कोई मैं वो नहीं बोल रहा हूँ इन खराब नहीं है पर बंदे को परखो पहले यार बंदे को परखो पहले नहीं जम रहा है तो निकल जाओ उसमें से उसमें ही रोते मत बैठो क्योंकि ऐसे कितने दरिंदे लोग हैं यार लड़के लोग बाहर अपना इंडियन लॉ का कुछ जरूर होना चाहिए यार नहीं तो ऐसे बहुत किस्से होते रहेंगे क्रेजी <laughs> मैं खुद अपसेट हो गया हूं ये सब सुन के मैं कितने दिनों से सोच रहा था कुछ वीडियो बनाऊ पर हिम्मत नहीं हो रही थी यार मतलब है यार बंदे बंदी को थर्टी फाइव पीसेस में चॉप किया बाद में उसके पीसेस रेफ्रिजरेटर में रखे अठारह दिनों तक वो एक एक छोटे छोटे पीसेस करके उसको फेंकता गया इधर उधर दैट्स हॉरेबल डूड एंड गर्ल्स लाइक इज जस्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट सोच समझ के प्यार करो यार ये आफ्ताब जैसे चूती है लोगों की वजह से लड़कियां हम लोग पे ट्रस्ट नहीं करती हैं ना मतलब क्या कुछ यार आवाज़ आवाज, आवाज उठाओ लोग बंटा है पब्लिक आवाज़ आवाज, आवाज उठाओ जरा ऐसे लोगों पे ये ऐसे जो आफ्ताब जैसे लोग हैं ना इन लोग की छोड़ इन लोग की जी फटनी चाहिए भाई ऐसा कुछ स्टेप लेने से पहले यू गाइज जस्ट टेक केयर मेरे को बस अंदर का बड़ास निकालना था काश कुछ कर पाता मैं लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर तो हूँ नहीं यहाँ पे बट स्टिल आवाज़ उठाओ डालो जरा यूट्यूब में भी ये सब रिएक्शन वीडियोस करके डालो यार चलो टेक केयर बाय